हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मतलब भाई काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिली है जिसको कि मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे कि सैमसंग की ए सीरीज में से सैमसंग का A51 और A71 के ऊपर प्राइस ड्रॉप हो तो आप परचेस करें। एंड फाइनली यहाँ पर सैमसंग ने जो है प्राइस ड्रॉप कर दिया है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि सैमसंग के दोनों ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन बन चुके हैं वर्ल्ड वाइड। एंड यहाँ पर सैमसंग ने इनका रिसेंटली कुछ टाइम पहले इनका जो प्राइस है वो ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पर क्या नई प्राइस है एंड किस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन बेटर रहेगा या ऑनलाइन बेटर रहेगा, सभी आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं A51 के बारे में। तो यहाँ पर जो हमें 6 GB रैम वाला वेरियंट देखने को मिलता था पहले की, जो कि 25,500 के करीब का था, उसका सैमसंग ने प्राइस ड्रॉप करके 23,990 यानी कि 24,000 कर दिया है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो सैमसंग का एक गलेक्सी A51 है यानी कि 6 GB रैम वाला जो कि अब 24,000 का है, पहले ये ऑफलाइन मार्केट में 23,000 का मिल रहा था यानी कि लगभग हमें 2300-2500 के करीब फ़ायदा हो रहा। तो यहाँ पर अब मान करके चले के अभी भी हमें 2,500 रुपये कम मिल जाएगा, दैट मीन्स हमें यहाँ पर 21,500 या 22,000 के करीब तो मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको कम से कम रेट बताया ऑफलाइन मार्केट के, क्योंकि जो होलसेल की दुकान होती है ना, जहाँ पर कि डिवाइस जो है आपको फुल वारंटी में मिलता है बट प्राइस जो है वहाँ पर काफ़ी कम होता है, तो फिर यहाँ पर आपको आराम से 22,000 का तो कहीं पर भी मिल जाएगा ये स्मार्टफोन। इसके अलावा यहाँ पर जो 8 GB रैम वाला जो इसकी ऑफिशियल ऑनलाइन प्राइसिंग है वो 25,990 यानी कि 26,000 रुपये, पहले इसकी जो है 28,000 रुपये थी, तो यहाँ पर 2,000 रुपये यहाँ पर ड्रॉप करे हैं सैमसंग ने 8 GB रैम वाले A51 के लिए। एंड इसको मान के चलो कि आपको जो है ये ऑलमोस्ट 24,000 तक का मिलेगा, बिकॉज ऑनलाइन से ऑफलाइन के जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सैमसंग का A71 है यहाँ पर कि हमें 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, ये अब हमें 30,999 का, पहले 35,000 के करीब था आई थिंक। एंड ये ऑफलाइन मार्केट में आपको 28,000 से 27,500 तक का आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है ऑफलाइन मार्केट में। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप अगर ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑफलाइन से कर सकते हैं, बाकी अगर आपको EMI पर चाहिए तो फिर आपको ऑनलाइन ही परचेज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों स्मार्टफोन्स पे 0 या 9 EMI कॉस्ट भी चल रहा है। बाकी मैं प्रीफर करूँगा कि आप कैसे भी एडजस्ट कर लेना, और अगर आप ऑफलाइन से परचेज़ कर सको तो फिर आपके 2,000 से 2,500 रुपये हर एक वेरियंट पर बच जाएंगे, इससे ज़्यादा भी बच सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आप पर आप अपने जानकार से परचेज़ कर रहे हो या फिर नॉर्मली किसी ऐसी शॉप से परचेज़ कर रहे हो जहाँ पर नॉर्मल प्राइस मैंने आपको बताया 2,500 रुपये का फ़र्क होता है सैमसंग के इन दोनों स्मार्टफोन पे। क्योंकि मैंने खुद ने ये जो स्मार्टफोन लिया था जिस टाइम पे नया आया था 8 GB रैम वाला, वो मैंने 25,800 के करीब का लिया था, जिस वक्त में ये 28,000 का था, तो उस टाइम पे ये काफ़ी मुझे अच्छी डील मिली थी। एंड ऑफलाइन मार्केट में यार काफ़ी प्राइस का अंतर होता है, इसलिए मैं आपको ऑफलाइन के लिए ही प्रेफर करूँगा। वेल, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लगती है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।